कोसी कलाब में पूर्व में नगर पालिका की अनदेखी के कारण गांधी चिकित्सालय जर्जर हो गया था, इसलिए आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। पिछले एक दशक से खस्ता हाल में पड़ा ये गांधी चिकित्सालय अपने जीर्णोद्धार की बाट जो रहा था। वर्तमान चेयरमैन नरेंद्र कुमार को इसकी याद आई और उन्होंने बोर्ड बैठक में इसे पास कराकर जीर्णोद्धार का जिम्मा संभाला। जर्जर पड़े अस्पताल को जनता के लिए उचित चिकित्सा हेतु प्रारंभ किया। करीब 10 लाख रुपए की लागत से पूरे गांधी चिकित्सालय का नवीनीकरण किया गया, जिसमें सभी कमरों और हॉल, चबूतरा, छत आदि का पुनर्निर्माण, रंगाई पुताई, टाइल पत्थर आदि लगाकर उसका नवीनीकरण किया गया। वहीं होम्योपैथिक दवाइयां भी चिकित्सालय में प्रारंभ की गयी, जिसका उद्घाटन पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने पीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। इस दौरान वार्ड मेंबर केपी सिंह के अलावा ठेकेदार बलराम शर्मा और होम्योपैथिक के चिकित्सक और अन्य पालिका कर्मी मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि ये चिकित्सालय अंग्रेजों के समय में बनवाया गया था, जिसको 1950 में नगर पालिका बनने के बाद पालिका के सुपुर्द कर दिया गया था। उस समय डॉक्टर ओसी व्यास और डॉक्टर तलवार हेड चिकित्सक के रूप में सेवाएं दे रहे थे। उनके साथ ही हेड कंपाउंडर मक्खनलाल मजवार दिन रात मेहनत कर चिकित्सालय को सींच रहे थे। मक्खनलाल मजवार ने दिन रात मेहनत कर चिकित्सालय को सींचा था। मक्खनलाल मजवार ने 1948 से 1984 तक अपनी सेवाएं दी। गांव के बीच एकमात्र चिकित्सालय होने के कारण बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी। उसी के उपरांत सरकार द्वारा शेरगढ़ रोड पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया गया, जिसमें सभी सुविधाएं होने के कारण गांधी चिकित्सालय की अनदेखी होनी शुरू हो गई और अस्पताल अपना अस्तित्व खोता चला गया और धीरे धीरे डॉक्टरों का आना भी बंद हो गया। पालिका ने भी ध्यान देना बंद कर दिया, दवाइयों का भी अभाव होता चला गया। अग्रसेन मानव सेवा संस्थान ने चिकित्सालय में ऐसी मोर्चरी भेंट की, जिससे कि कभी भी विषम परिस्थितियों में शव को दो दिन तक रखा जा सकता था। उद्घाटन के दौरान पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने बताया कि ये उनका सपना था कि गरीबों के लिए अस्पताल, जो कि निशुल्क सबका इलाज करे और पिछले कई वर्षों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था, आज उन्होंने प्रारंभ किया है। आज उनका वो सपना पूरा हो गया। इस दौरान उन्होंने सभी नगरवासियों से अस्पताल में आकर निशुल्क इलाज कराने की अपील की। देखिए, आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि नया साल है। सबसे पहले मैं नए वर्ष की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो गांधी चिकित्सालय है, ये पिछले कार्यकाल में बंद कर दिया गया था, तो इसको हमने नए सिरे से करीब 10 लाख रुपए की लागत से इसको हमने जीर्णोद्धार कराया है। उसके साथ में ही आज आपने देखा है कि आयुर्वेदिक हमने शुरुआत ढंग से करा दिया है। और ये बहुत बड़ी खुशी है कि आज गरीब भी यहाँ पर एक लगभग निःशुल्क इलाज कराएगा, कम से कम फीस रखेंगे। आयुर्वेदिक स्टार्ट कर दिया है, जल्दी ही एलोपैथिक इलाज भी इसमें स्टार्ट होगा। और मैं अपनी तरफ से, नगर पालिका परिषद कोसी कलां की तरफ से, शहरवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि नए साल पर ये गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए एक इलाज की यहां पे व्यवस्था होगी, जिसमें फर्स्ट एड के रूप में हम शुरुआत करेंगे। साथ में और भी योजनाएं हैं, जिसमें डायलिसिस मशीन भी हमारी आगे रखने की योजना है। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक दोनों तरह की दवाएं इसमें लगभग निःशुल्क दी जाएंगी और कम पैसे में इलाज करेंगे। तो मुझे आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि मेरा चुनावी वादा भी था, तो मुझे ये लग रहा है और मैं आश्वस्त हूँ कि जल्दी ही हमारा चुनावी वादा पूरा होगा। और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो क्या मतलब यहाँ व्यवस्था है, मतलब की जा रही है? यहाँ हर चीज की व्यवस्था है। मरीजों के लिए एक रुपए की पर्ची पर दवा मिलेगी और हर प्रकार की दवा मिलेगी। ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय है। आज जो उद्घाटन किया गया तो इसको लेकर लगभग क्या जानकारी देंगे आज, किसके द्वारा? ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है। ये अभी तक इसका कोई जीर्णोद्धार नहीं कराया था। काफी समय से तुम्हारा मन बेकार पड़ा हुआ था, काफी गौशाला की तरह था, लेकिन चेयरमैन साहब के कर कमलों से बहुत अच्छा बन गया है। नई साल का चेयरमैन का बहुत ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। नए साल के दिन में जो एक गांधी चिकित्सालय का दोबारा से जीर्णोद्धार हुआ है, आपके बाढ़ में भी आता है, बाढ़ तेरह में आता है। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ चेयरमैन साहब को। क्या व्यवस्था होंगी इसमें आने वाले समय में? इसमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होंगी। जिस तरीका से एक छोटे अस्पतालों में जो सुविधाएं होती हैं, वो सारी सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे। इसमें कुछ लोगों से दान भी लेंगे हम, कुछ नगर पालिका से कराएंगे, कुछ शहर से भी लेंगे। इस तरीका से इसको पूर्ण रूपेण
उसी एक अच्छी उपलब्धि नगर पालिका की, बहुत अच्छी उपलब्धि है नगर पालिका की, और नगर पालिका हमारी एक बहुत आगे बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। पेयजल की व्यवस्था बहुत अच्छी होती जा रही है पूरे शहर के अंदर, बाहरी कॉलोनियों में, और खरंजा निर्माण का भी काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, नालों की सफाई भी ठीक ढंग से हो रही है, दोबारा से टेंडर कराए गए हैं, तो और आगे अभी देखेंगे क्या होता है।